जिन साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती अगर आपने फॉर्म भर लिया तो याद रखिए बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित हो गई। वैसे पहले से ही परीक्षा तिथि तय थी, 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसकी परीक्षा होगी। लेकिन आज एकादशी के पावन पर्व पर आपके लिए कुछ लोग के लिए गुड न्यूज है, कुछ लोग के लिए बैड न्यूज है। गुड न्यूज उनके लिए जिनकी तैयारी अच्छी थी, जो लगातार पढ़ते आ रहे थे, उनको तो लग रहा है बढ़िया से परीक्षा होगी और जल्दी से परीक्षा होगी और हम अच्छे स्कोर करेंगे। लेकिन उनके लिए बैड न्यूज है, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी और उनको लग रहा था यार अभी हम कब तक पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ के ले पाएंगे, तो उनका सिलेबस ही क्लियर नहीं हो पाया था कि सिलेबस कैसे है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि भैया सबसे पहले फोकस करिए और नोट्स को रिवीजन करिए। अब आपके पास प्रैक्टिस का समय, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपके लिए लगातार मैराथन क्लासेज आ रहे हैं और आप उसे देख पा रहे हैं। फिलहाल चलिए हम देखते हैं कि क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा करा रही है, जो विज्ञापन संख्या 27/2023 पर यहाँ पर प्रत्येक जो 2.0 जिसकी परीक्षा होने जा रही है उसकी डेट निश्चित हो गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो परीक्षा 7/12 से लेकर 16/12 तक एकल पारी में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित होगी, मतलब 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक एक पारी में ये परीक्षा आयोजित होगी, ऐसा BPSC ने घोषणा कर दिया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या क्या जानना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एकल पारी मतलब एक पारी में सारी परीक्षाएं होनी है। क्रमवार रूप से देखते हैं, 16 दिसंबर तक की परीक्षा होनी है। इसमें जो 7 तारीख को पेपर होना है, क्या उससे कोई आपका संबंध है या नहीं है, इस पर भी हम लोग पढ़ लेंगे और ये देखेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो देख, इसके OMR शीट भी आ चुकी है उस पर भी बात करें, वीडियो बना के डाल देंगे आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि OMR शीट की पे कैसे आपको फॉर्म भरना। मैराथन क्लास आपके लिए बेहतरीन आ रही है, मतलब कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए। एक एक वीडियो 8-8 10-10 घंटे कंप्लीट सिलेबस समाप्त है। यहाँ पर अगर हम 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को संगीत कला का होगा, जिन्होंने संगीत से फॉर्म भरा है। इसमें पिछड़ा वर्ग अंत पिछड़ा वर्ग कल्याण 9-10 के लिए है, मैंने इस परीक्षा को केवल BEd के अभ्यर्थी ही दे सकते हैं जो यस्टेट पेपर फर्स्ट पास थे। अनुसूचित जनजाति कल्याण 6 से लेकर 10 तक है, मतलब यहाँ पर देखा जाए 6 से लेकर 8 तक 9-10, मतलब यहाँ पर BEd वाले और BTC दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। किसमें, इसमें BTC प्लस BEd है, ऊपर वाले में BEd के अभ्यर्थी। तो अगर आपने फॉर्म भरा 7 तारीख को केवल किसका है, संगीत और कला के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आपका संगीत और कला है तो ठीक है, वरना हमें तो लगता है हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो वे सबके SST, मैथ साइंस, लैंग्वेज और PRT के ही अभ्यर्थी ज्यादातर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल देखते हैं, अगला दिन पहुंचते हैं 8 तारीख दिन शुक्रवार को, 8 दिसंबर को। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आपकी, हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, विज्ञान हो गया, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, मतलब एक तरफ हम बात करें विषय हो गया, सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट के बाद अगर हम देखें तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज हो गए, ठीक, हिंदी अंग्रेजी होगी लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पर संस्कृत है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, बांग्ला है, ललित कला है, नृत्य साहित्य शिक्षा, मैथिली, संगीत कला। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो परीक्षा है वो केवल केवल 9-10 वर्ष शिक्षा वर्ग के लिए, 9 संगीत कंप्यूटर किसके लिए 9-10 के लिए है। उसके बाद हम बात करें तो अत पिछड़ा वर्ग संगीत कला विषय, कला विषय को छोड़ दिया जाए तो ये वर्ग 9-10 के लिए है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग के लिए संगीत कला विषय को छोड़कर ये 6 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये केवल केवल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो 9 से 10 में है, जो केवल बैठ के भर्ती दे सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वर्ग संगीत कला विषय को छोड़कर बाकी विषय का जो पेपर है जिन्होंने भरा है वो 6 से लेकर 8 तक और 9-10 ये दोनों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे हम बात करें, अगला दिन आता है 9 शनिवार, माने गुरुवार 7 दिसंबर परीक्षा शुरू होती है, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, अगला दिन रविवार, इस दिन परीक्षा की परीक्षा टलने वाली नहीं है, परीक्षा रुकने वाली नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शनिवार का दिन सबसे अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन 6 से लेकर 8 तक, जी हाँ जी, बहुत सदियों से मतलब आप लोग को इंतजार है, जब से आपने फॉर्म भरे, जब से BPSC पे लगभग 1 लाख पदों पर विज्ञप्ति आ चुकी है, तब से आपका लगातार ये डाउट बना था कि हम इस पर क्या करें। तो 6 से लेकर जो 8 तक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज गणित विज्ञान में, सबसे ज्यादा लोग पूछे सर गणित विज्ञान का पेपर कब होना है, कब होना है, तो ये पूरा 150 नंबर का पेपर होगा, यहाँ पर 2 सेक्शन में होने, यहाँ पर पहला जो है भाषा से होगा, भाषा के यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे और ये केवल क्वालिफाई करने, इसमें 9 अंक लाने हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है वो 120 का, इसकी प्रैक्टिस सेट पर ही मैंने बना दिया वीडियो, कौन सी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहतर और बढ़िया भी होगी, तो आपको पूरा स्कोर जो करना है इस पर ही फोकस करना। अब फिर से सवाल मत पूछेगा कि सर विज्ञान और गणित में क्या विज्ञान अलग गणित अलग पढ़ना होगा, जी नहीं, विज्ञान और गणित दोनों को पढ़ना होगा, मैंने साइंस स्ट्रीम वालों को दोनों विषय पढ़ना जो उन्होंने आवेदन कर रखा है। दूसरा सामाजिक विज्ञान SST, देखिए SST के लिए अलग से कोई पेपर नहीं, कुछ लोग कह रहे सर जो मेरा विषय है क्या उस विषय के अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा, जी नहीं, अगर SST आपने भरा सभी के लिए कॉमन पेपर होंगे, सभी पेपर देंगे। इसमें भी SST की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको वही है 150 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर लैंग्वेज होंगे, इसमें 2 लैंग्वेज होंगे। और दूसरे अगर मैं बात करूँ, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा SST में इतिहास, भूगोल, संविधान से कवाल आएगा, लेकिन इसमें एक सेक्शन जो 120 वाला है, इसमें 40 का है
और प्लस 80 का है, ध्यान रहे इस पूरे 150 में। 40 जीएजी के सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीआरटी के लिए पढ़ रहे चाहे जहां के लिए पढ़ रहे, 9-10-11 बार सभी के लिए कॉमन है, ये कॉमन पेपर सबके लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। 40 क्या है आपका, जीएस और जीके है, लेकिन जो 80 है आपका ये केवल केवल आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की बात करूँ तो गणित विज्ञान में गणित विज्ञान है, एसएसटी में केवल एसएसटी है, इसके लिए कोई डाउट नहीं, आप इस पर प्रैक्टिस सेट फोकस करिए। अगर अभी तक आप नोट्स रिविजन नहीं किए तब क्या अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, इलनी विद दुर्गेश के एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न जो भी नोट्स है आप उससे रिविजन कर लीजिएगा। नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी निशुल्क क्लासेज आपकी मैराथन चल रही है, जहाँ पर संपूर्ण तैयारी लगभग 40 घंटे की वीडियो लेक्चर में पूरी कंप्लीट है। इतिहास, भूगोल, संविधान और शास्त्र, अभी गणित की मैराथन आ रही, विज्ञान की मैराथन आ रही, मैंने हर विषय की एक एक दिन मैराथन आएगी, मैंने हर एक दिन में 10-12 घंटे में एक विषय समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप साथ देंगे, आप तैयार होंगे, तभी इस पर और बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर मैं देखूं तो भाषा हिंदी अंग्रेजी, और इसी दिन क्या होगी, शनिवार, माने 9 दिसंबर की डेट याद रख लीजिएगा। 9 दिसंबर आपके लिए कितना अहम होने जा रहा है, 6 से लेकर 8 तक वर्ग के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान होगा, शिक्षा विभाग 6 से 8 तक के लिए, यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा, और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 6 से 8 तक के लिए भी इसमें आवेदन कर सकते, मतलब इस पर परीक्षा इस दिन दे सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ रविवार को, फिर अगला दिन रविवार आता है, मैंने 7 तारीख से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षा विभाग वर्ग 6 से लेकर 8 तक के लिए इसमें क्या क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ध्यान रहे आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए है कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत उर्दू, ये आपका जब टाइम। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है मेरा किस दिन होगा, तो भैया घबराइए नहीं, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, एडमिट कार्ड में सारी गुत्थी आपके सुलझ जाएगी कब क्या कैसे और क्यों होने जा रहा है। तो एडमिट कार्ड जैसे आएगा, जैसे आपका प्रवेश पत्र आएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, हेडमास्टर के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए लोगों ने डाला था, अब 10 तारीख के बाद 3 दिन की लंबी छुट्टी है, मैंने 11 को छुट्टी, 12 को छुट्टी, 13 को छुट्टी, फिर 14 को एग्जाम होने जा रहा है। प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के लिए होने जा रहा है प्रधानाध्यापक। अब 15 तारीख, जी हाँ, पीआरटी के लिए सबसे ज्यादा सवाल आता है सर पीआरटी के लिए, जी हाँ, पीआरटी के लिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसमें लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज के साथ साथ ईवीएस पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। 120 नंबर की ईवीएस आपको पढ़नी, इसके भी नोट्स आप लोगों ने ले लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। पीडीएफ लर्निंग दुर्गेश पर टेलीग्राम पर मैराथन क्लास की लिंक आती है, मैं बार बार कहूंगा कि टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े जाइए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी आप देख रहे हैं, आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हमने और आपने देखा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था कि यहाँ पर 105 के लिए सभी विषय, सामान्य, उर्दू, बांग्ला, सामान्य का मतलब है जिसमें आप सब आवेदन कर सकते हैं, जिसका जो पैटर्न आपको पता है कि लैंग्वेज होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट ईवीएस का होगा, तो इसे हम सामान्य विषय के रूप में रखते हैं। उर्दू बांग्ला जो इससे उर्दू बांग्ला से पीआरटी देना चाहते हैं उनके लिए, माने पीआरटी का जो पेपर होने जा रहा है वो आपका 15 तारीख को होगा। जी हाँ, याद लीजिएगा, टाइम लगा लीजिएगा, अलार्म लगा लीजिएगा और तैयार हो जाइए अपने आने वाले कल के लिए। अब की बार एक सीट हमारे बिहार में करना है, तो बिहार में करने के लिए यहाँ पे अब अगला जो आपके सामने है 1 से लेकर 12 तक के जो सभी विषय हैं, जी हाँ, 11 और 12 इसे हम पीजीटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम पीजीटी के नाम से बार बार पुकारते हैं। तो इस पीजीटी की अगर मैं कहानी बात करूँ आपसे, तो इस पीजीटी की जो कहानी है वो भी यहाँ बनने वाली है। इस पीजीटी की कहानी में पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, यहाँ पर 11-12 के जितने भी विषय, जितने पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो 16 तारीख को शनिवार को होने, मतलब आप स्क्रीनशॉट इसके रख लीजिएगा कि देखिए पीजीटी वाले जितने लोग हैं, पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें सबसे अंतिम लड़ाई लड़नी है, जो स्टेट पेपर 2 पास थे, और सभी विषय की 16 तारीख को, माने 16 दिसंबर को उनका पेपर होने वाला है। पीआरटी के लोग, जितने लोग पीआरटी के अभ्यर्थी थे, उन पीआरटी के अभ्यर्थियों का जो पेपर होना है 15 तारीख को होना है, ठीक। अब दूसरी बात, एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो 6 से लेकर 8 तक के लिए तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 6 से लेकर 8 तक के लिए तैयारी किया था, उनके लिए क्या है, उनके लिए 9 दिसंबर, तो 3 एक अहम डेट आपको मिल गया है अब, क्योंकि इस दिन BTC DLED और BED इनके अभ्यर्थी जो जूनियर पेपर 2 पास है वो दे सकते हैं सीटेट का, और यहाँ पर पीआरटी के लिए जो सीटेट पेपर 1 पास है वो यहाँ दे सकते हैं। तो एकदम ये भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से हो गया, आपको पता होगा भैया पेपर कब होने जा रहा है। अब धनाधन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों, सभी साथियों से पूछा दीजिएगा, अब आपके मन में कोई प्रश्न, कोई संशय तो नहीं रह गया होगा, और उम्मीद करते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो गए होंगे। वैसे अब इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार मैं कहूँगा टेलीग्राम पर आप जो प्रैक्टिस सेट के सेशन है वो आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपके लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा, अगर आपकी मेहनत तो आपका नसीब भी आपके
साथ होगा। और इंस्टाग्राम पर कोई व्यक्तिगत सवाल, इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। सभी नोट्स आप लेने भी दुर्गे से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक नोट्स नहीं प्राप्त किए वो इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेस निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, वीडियो को खूब लोगों तक शेयर करेगा, पूछेगा, क्योंकि अब की बार एक से ठमा का सपना पूरा तभी होगा जब आप साथ बनाए रखेंगे, ध्यान और ज्ञान के साथ अपनी पढ़ाई आगे रखेंगे। रेस से घोड़े रेस में अच्छे लगते, मेहनत करते रहिएगा, जान लगा दीजिए, लेकिन जाने नहीं देना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप अपना बेस्ट और बेहतर देंगे, और उसके लिए आप सब तैयार हैं, और इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बनाए रखिएगा। यकीन मानिए आप झंडा गाड़ कर आएंगे, बिहार में नौकरी पक्की करके आएंगे। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, झोला भर भर के शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहेगा, कोई सवाल कोई प्रश्न वीडियो में कमेंट करिएगा। और हाँ, मैराथन क्लास चल रही है जो आपके सिलेबस के आधार पर है, जो जीएससी के 40 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण है और एसएसटी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी भूगोल की, विश्व भारत के भूगोल की मैराथन 12 घंटे की आई थी, फिर विश्व भूगोल की मैराथन आज 8 घंटे की चालू है, अपलोड हो चुकी है। कल हिस्ट्री की आ रही है 12 घंटे की, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज आ रही है, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर प्राचीन इतिहास सीरीज आएगी, फिर इकोनॉमिक्स की, फिर कंप्यूटर की, फिर संविधान की, इस तरह क्रमवार आपकी मैराथन सीरीज आएगी, जो एमसीक्यू के साथ साथ आपकी पूरी थ्योरी की क्लास होगी। उसे पढ़कर नोट्स बना लीजिएगा, आप यकीन मानिए परीक्षा में ढेर सारे सवाल आएंगे। वैसे हम अपना बेस्ट और बेहतर देते हैं, परीक्षा का लेवल क्या होगा आने वाला समय तक, लेकिन हाँ उस लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बस झंडा गाड़ के आना, ये उम्मीद बना के रखना। थैंक यू सभी का, साथ बनाए रखिएगा, हम भी आपका साथ बनाए रखेंगे। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।